फ्रेंड्स, आई एम स्मित और मैं आज आपको बताऊंगा कट कॉपी और पेस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कट और पेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर पे एक डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद होम और जिस डिस्क में आपने अपनी कोई फ़ोटो सेव की है तो उसमें आप डबल क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। तो मैंने होम ई में इसको किया है, तो उस पर हम लोग डबल राइट क्लिक करेंगे, फिर आपने जिस फोल्डर में इसे सेव किया है तो आप उसे खोल सकते हैं। तो मैंने इसे न्यू फोल्डर 2 में सेव किया है। उसके बाद आप लोग अपने कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, और अगर ये नीचे हो तो आप इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। उसके जो माउस का सेंटर स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल करके आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं इसे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से कट करेंगे, फिर इसे मिनिमाइज करेंगे हम लोग, उसके बाद आपकी कोई भी फोल्डर, फिर आप इस अभिनव में इसे खोल के इसमें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको ये पेज पे राइट क्लिक एक करना हैगा, फिर और आपके पास वो फोल्डर हो पहले ही फोटो, तब आप उसे कट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्रॉस बटन पे जाएंगे। तो मैंने वो फ़ोटो ऑलरेडी इस अभिनव नाम के फोल्डर में थी, तो मैं उस पर फिर से आप वही पैटर्न, उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ पे, तो आपने सेव किया है तो उसमें आप खोल सकते हैं। तो मैंने कोई भी फ़ोटो लेके इसमें लगा दूँगा। उसके बाद हम लोग लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से कट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस फोल्डर में किसी भी फोल्डर में डाल देंगे। अगर पास कोई फोल्डर है तो आप किसी भी फोल्डर में डाल सकते हैं, मैं सभीनों में डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। और कॉपी पेस्ट का मतलब, जैसे कि अगर मैं इस फोल्डर से कोई फ़ोटो कॉपी करके और अपने फोल्डर में डालना हो तो यहाँ पे भी आप एक पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप एक लेफ्ट क्लिक करके देखिए, अभिनव के फोल्डर में से मैंने अपनी फ़ोटो कॉपी करके इसमें पेस्ट कर ली और इस मिनिमाइज करके मैंने खोल दी। उम्मीद है आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।